आपसे कुछ कहना है, इजाजत है। हमें आपसे कहना चाहिए। धन्यवाद। अब होगा फिल्म रेबी। फिल्म का नाम दुआ बिया। बी फॉर यू मोशन पिक्चर्स प्रस्तुत कर रहा है। खर्चा संदीप सिंह, अंजनी तिवारी व नीलाभ तिवारी किए हैं और निर्देशक डायरेक्टर संजीव हरपी जी हैं। फिल्म रिव्यू मतलब फिल्म का कहानी तो सुन लीजिए। फिल्म दुआ बिया दूसरा शादी पर आधारित है। एक गरीब परिवार की लड़की है। पिता खेत में दिन भर काम करके घर को चलाता है। रोज कमाना रोज खाना यही इनकी असली जिंदगी की सच्चाई है। अब बेटी सियान हो रही थी। पिता को पिता धर्म निभाने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। सबकी बेटियां विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी। बेटी के लिए रिश्ता बहुत बहुत अच्छा अच्छा आता है, लेकिन जितना अच्छा आता है उतना ही ज्यादा दहेज का मांग होता है। गरीब पिता अपने गरीबी से लड़ ही रहा है, अब दहेज का टक्कर कैसे करेगा। बिना दहेज के कोई भी बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था। समाज को दहेज का आदत हो गया है। पिता को बेटी का विदाई करना है, ससुराल भेजना है, यही टेंशन रात को भी सोने नहीं देता है। एक दिन एक रिश्ता आता है दुआ बियाह का, मतलब पहले से शादी शुदा है। पहली वाली मेहरारू मर गई है, एक बेटी और एक बेटा है। पिता काम में इतना बिजी रहता है कि बच्चों का परवरिश ख्याल नहीं रख पाता है। माँ से अच्छा कोई भी बच्चों का परवरिश नहीं कर सकता है। बच्चों को माँ देने के लिए दूसरा शादी करना पड़ेगा। लड़की कुंवारी है, सब समझती है दुआ बियाह का क्या मतलब है। दुआ बियाह भी करने के लिए इसे बहुत बड़ा त्याग बलिदान देना होगा। शादी करने से पहले कुंवारी लड़की को ऑपरेशन करवाना होगा। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर ये कभी माँ नहीं बन सकती है। इसने अपने पिता को पढ़ा है, घर की स्थिति को देखा है। कुंवारी लड़की शादी के लिए हाँ बोल देती है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है। सास बहुत अच्छी है, घर का जिम्मेदारी आते ही सौंप देती है, घर का मालकिन बना देती है। घर की मालकिन बनने से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा था। घर का मालकिन की सौतेली बेटी अपने सौतेली माँ को माँ नहीं मानती थी। घर का मालकिन की देवरानी बेटी को पाठ पढ़ा देती है। बेटी का दिमाग बहुत खतरनाक प्लान कर लिया है। घर की सीढ़ियों पर सब्जी बनाने वाला तेल गिरा देती है। पिता तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, पैर तेल पर रखा फिसला गिर गया। सीढ़ी से गिरने की वजह पिता का मौत की वजह बन गया। मारना माँ को चाहती थी बेटी, लेकिन पिता मर गया। पिता के मरने के बाद बेटी सौतेली माँ को अपना माँ मानने लगी है। घर की देवरानी घर का बंटवारा करवा देती है। बेटी का उम्र अब हो गया है, सौतेली माँ को चिंता हो रहा है। सौतेली माँ को माँ पिता दोनों का फर्ज निभाना था। माँ असली योद्धा होती है। सौतेली माँ ने बेटी का कन्यादान किया, विदाई किया, सगी माँ का काम किया है। शायद इतना ही दुआ बियाह
फिल्म का कहानी है। फिल्म की ट्रेलर में 5 गाना बज रहा है। पहला गाना विधि करेले रचनावा, दूसरा गाना जुतिया वाहन बाबा, तीसरा गाना जिंदगिया सवार गईले हो, चौथा गाना हाय रे किस्मतिया, पांचवा गाना माई हो। फिल्म में सबका अभिनय ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा फिल्म रिव्यू वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, फिर तो हमको मजा आ जाएगा यार। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नया तैयारी के साथ, नया कंटेंट के साथ। धन्यवाद।